हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर को लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को जी रहे हैं और खुशहाल हैं, अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हुए हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं हो रही। तो चलते हैं दोस्तों, शेयर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुख्य रूप से भारतीय निर्मित विदेशी शराब IMFL के निर्माण और बिक्री में शामिल है। अब चलते हैं इसके मुख्य डाटा पर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका मार्केट कैप 4,075 करोड़, करेंट प्राइस 213 रुपया, हाई एंड लो 52 बिक्का 225 रुपया और 77 रुपया, स्टॉक पी 42.1, बुक वैल्यू 26.1, डिविडेंड यील्ड 0.05%, ROC 15.6%, ROE 23.9%, फेस वैल्यू 10 और इंटरप्राइजेज वैल्यू 4,287 रुपया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, इसके 1 ईयर का चार्ट देखते हैं। तो चार्ट देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट मोड में रहेगा। मेरा माने तो 215 और 230 यही लेवल हो सकता है कुछ दिन तक के लिए, 1-2 महीना के लिए। और इसका प्रॉन्स और कॉन्स जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो प्रॉन्स कंपनी ने कर्ज कम किया है, कंपनी को अच्छी तिमाही देने की उम्मीद है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 19.8% CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। पिछली तिमाही के मुकाबले प्रमोटर होल्डिंग में 0.87% की बढ़ोतरी हुई है, अच्छी बात है। दोस्त, स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के 8 गुना पर ट्रेड कर रही है, टैक्स की दर कम लगती है। प्रमोटर ने अपनी 75.8% हिस्सेदारी गिरवी रखी है, ये सबसे बैड न्यूज है इस कंपनी के लिए। कमाई में 85.8 करोड़ रुपए की अन्य आय भी शामिल है। पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर होल्डिंग में कमी आई है, -12.8%। कार्यशील पूंजी दिवस 54.3 दिन से बढ़कर 94.9 दिन हो गया है। तो इस तरीके का इसमें दोष है और फिर मतलब प्रोज और कॉन्स है। आगे चलते हैं इसका पियर्स कंपनी, यानी कि पियर कंपैरिजन वही हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान, सूला वेनयार्ड्स, सोम डिस्टिलर्स, ग्लोबस स्पिरिट्स, जिसमें कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज का पी जो है 42.07 है, जो कि बहुत अच्छा है। अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो जून 2023 का जो है 304 करोड़ का सेल्स किया है, एक्सपेंस 266 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 38 करोड़, अदर इनकम 1 करोड़। अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा घटा है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा, और नेट प्रॉफिट 26 करोड़।
वो भी 50% से अधिक घट गया है। और EPS 1.34 रुपया। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो 1239 करोड़ का सेल्स है, एक्सपेंस है 1085 करोड़ का, 86 करोड़ का अदर इनकम है, इंटरेस्ट 33 करोड़ का पे किया है, डिप्रिसिएशन यानी कि हिसाब वगैरह में 32 करोड़, और नेट प्रॉफिट है 175 करोड़, और EPS 9.54 रुपया। तो लास्ट 12 मंथ के हिसाब से तो अच्छा ही है ये शेयर, जो कि कमाई करके दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। अब बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास में रिजर्व 298 करोड़ का है, शेयर कैपिटल 185 करोड़ का, जो कि 159 करोड़ से बढ़ करके 185 करोड़ हो गया। ब्रोइंग घटा है, 256 करोड़ का मात्र रह गया है, जो कि 585 करोड़ का था। टोटल एसेट अगर देखते हैं, उससे पहले इन्वेस्टमेंट 23 करोड़ का हो चुका है, अच्छा है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा है। टोटल एसेट में देखते हैं तो पिछले साल 1013 करोड़ का टोटल एसेट था, इस बार 1 करोड़ का कम हो गया है, 1012 करोड़ का रह गया है टोटल एसेट। कैश फ्लो माइनस में है 8 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखते हैं तो जैसा कि ऊपर बता चुका हूँ, इस क्वार्टर में बढ़ोतरी हुई है प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 41.15% से बढ़ करके 42.02% हो गया। FIs के पास में अच्छी खासी शेयर है, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा थोड़ा सा घटा है 10.57% का। DIs के पास में 0.01% है, पब्लिक के पास में 47.39% है, यानी कि ज़्यादा पब्लिक के पास में है। इसमें एक न्यूज है जो कि न्यूज में खास बात यह है कि 28 सितंबर 2023 को 10:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स से इसका एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसका न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन किया गया है। दो न्यूज़पेपर है, बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश और केसरी यानी कि मराठी, वो अगर न्यूज़पेपर देखना चाहे तो यहाँ पर है बिजनेस स्टैंडर्ड, इसमें नीचे में बाएं तरफ में इसके बारे में दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर है। और दूसरा न्यूज़पेपर तो केसरी है, जिसमें कि दाहिने तरफ में कॉर्नर पे बताया गया है, ये है बस। ऐसे ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें प्राइस में अप और डाउन काफ़ी ज़्यादा होगा, हो सकता है ये अप में जाए तो लगातार ही बढ़ने लगे, मेरा मानना है। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सलाह नहीं है मेरा, अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने सूझबूझ के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करें। तो इसमें जो कुछ देखने लायक था वो तो मैं बता चुका हूँ, अब इसी पर वीडियो को स्टॉप करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ।